गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज हम क्लास सेकेंड को SST पढ़ाएंगे। SST का दूसरा चैप्टर है। पहला चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं। दूसरे चैप्टर का नाम है आवर क्लोथ्स, यानी कि हमारे कपड़े। आपने ये देखा होगा कि हम सब लोग कपड़े पहनते हैं, लेकिन वो कपड़े जो होते हैं हम मौसम के अनुसार पहनते हैं। कभी गर्मी का मौसम होता है तो हम गर्मी के हिसाब से कपड़े पहनते हैं, ठंडी का मौसम होता है तो हम ठंडी के हिसाब से कपड़े पहनते हैं, यानी कि मौसम के हिसाब से हम लोग कपड़े पहनते हैं। ठीक, तो आज इस चैप्टर में हम इसी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। वी वेयर क्लोथ्स टू कवर आवर बॉडी। हम कपड़े क्यों पहनते हैं? ताकि हम अपने बॉडी को कवर कर सके, ढक सके कपड़े पहन के। क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, रेन, कोल्ड एंड डस्ट। कपड़ा हम क्यों पहनते हैं? क्योंकि कपड़े से क्या होता है, हम अपने आप को गर्मी से बचा सकते हैं, ठंडी से बचा सकते हैं, बारिश से बचा सकते हैं, और जो डस्ट होते हैं ना, उड़ते रहते हैं गंदगी, उससे भी हम धूल धक्कड़ से भी बचा सकते हैं, है ना। पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री वेयर डिफरेंट क्लोथ्स। हमारे यहाँ जितने भी लोग हैं अलग अलग जगह पे रहते हैं, अलग अलग कंट्री में रहते हैं, अलग अलग देश में रहते हैं, तो जो जैसे देश में रहता है उस हिसाब से वो कपड़े पहनता है। जैसे आप देखिएगा कि इंग्लैंड वगैरह जो है कंट्री, वहाँ पे क्या है, लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, ठंडे वहाँ ठंडा रहता है ना, तो वो ऊनी कपड़े पहनते, कोट पहनते हैं। ठीक, और इसी तरीके से जहाँ पे अफ्रीका है, अफ्रीका में लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, बहुत हल्के कपड़े पहनते हैं, पतले कपड़े पहनते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। वी वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स इन डिफरेंट सीजन। अब हम लोग क्या करते हैं इंडिया में, जो हम लोग रहते हैं भारत में, तो हम लोग अलग अलग कपड़े पहनते हैं अलग अलग मौसम के अनुसार। वी वेयर वूलन क्लोथ्स इन विंटर। वूलन क्लोथ्स कीप आवर बॉडी वार्म, विंटर इज वेरी कोल्ड। हम लोग क्या करते हैं ठंडियों में, वुलन कपड़े किसे कहते हैं, यानी कि ऊनी कपड़े पहनते हैं, क्योंकि विंटर का मौसम जो होता है वो ठंडी का मौसम होता है, तो ठंडी में हमको बहुत ठंड लगती है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, गर्म कपड़े पहनते हैं, जैसे कोट पहन लिया, स्वेटर पहन लिया। ठीक, और एक चीज़ और, हम लोग आग भी जलाते हैं, क्योंकि आग जलाने का मतलब क्या है कि बहुत ठंड पड़ रही है, और ये ऊन हमको कहाँ से मिलता है, भेड़ से, भेड़ से हमको ऊन मिलता है, उस ऊन से हम लोग क्या करते हैं, स्वेटर बनाते हैं, स्वेटर बना करके ठंडी के मौसम में हम लोग ऊनी कपड़े पहनते हैं। वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर। समर इज वेरी हॉट, कॉटन क्लोथ्स एब्जॉर्ब स्वेट एंड कीप अवर बॉडी कूल। अब क्या है, गर्मी के मौसम में हम लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, हल्के कपड़े पहनते हैं। कपड़ों का कलर कैसा होता है, थोड़ा हल्का कलर होता है, कॉटन का कपड़ा पहनते हैं। कॉटन यानी कि रुई से जो धागे बनते हैं, उन धागों से जो कपड़े बनाए जाते हैं हम लोग वो पहनते हैं, क्योंकि गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, तो अगर हम कॉटन के कपड़े पहनेंगे तो उससे क्या होगा, जो हमारा पसीना बहुत ज़्यादा बहता है वो पसीना सोख लेगा। ठीक, तो इसलिए हम लोग पसीना सोख लेगा, और इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कॉटन कपड़े जो है वो हम लोग गर्मी में पहनते हैं, ताकि हम लोग को थोड़ी सी ठंडक महसूस हो। इन रेनी सीजन वी यूज अम्ब्रेलास, रेनकोट एंड गमबूट्स, दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन। अब बरसात के मौसम में हम लोग कैसे पहनते हैं, हम लोग रेनकोट पहनते हैं, पन्नी जैसा होता है ना, उसको रेनकोट कहते हैं। रेनकोट पहनने से क्या होता है कि जो बारिश का पानी उस पर आता है ना, तो उससे हमारे कपड़े गीले नहीं, और हम लोग छाते का इस्तेमाल करते हैं बारिश के मौसम में, और लंबे लंबे बूट यानी कि जूतों का इस्तेमाल करते हैं, ताकि हमारे पैर भी गीले ना हों, क्योंकि देख बारिश होती है तो आप एक चीज़ देखिएगा, बहुत ढेर सारे कीड़े मकोड़े भी बारिश में टहलते हैं ना, तो अगर हम लंबे बूट पहनेंगे, जूते पहनेंगे, तो क्या होगा, वो हमारे पैर को काटेंगे नहीं, क्योंकि वो बूट से टकरा के हट जाते हैं। तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, बरसात के मौसम में छाते का इस्तेमाल करते हैं, रेनकोट का इस्तेमाल करते हैं,
और लंबे बूट का इस्तेमाल करते हैं. सब पीपल वेयर स्पेसिफिक ड्रेसेस दैट शो हु दे आर एंड व्हाट दे डू. सच टाइप्स ऑफ ड्रेसेस आर कॉल्ड यूनिफॉर्म्स. कुछ लोग यूनिफॉर्म पहनते हैं. यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि हम जो भी, जैसे हम डॉक्टर है, कोई भी काम करते हैं तो उस हिसाब से हमारी ड्रेस होती है, ठीक है, उसको यूनिफॉर्म कहते हैं. जैसे आप देखिए, हम स्कूल में पढ़ते हैं तो यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं, यानी कि सारे बच्चों का एक जैसा कपड़ा होता है, ठीक. जैसे डॉक्टर हो गए, डॉक्टर वाइट रंग का कोट पहनता है, सफ़ेद रंग का, तो क्या होता है, तो इससे हमको ये पता चल जाता है कि हाँ वो डॉक्टर आ रहा है, वो डॉक्टर है. या आपने देखा होगा कि पुलिस वालों के कपड़ों का कलर अलग होता है, आर्मी वालों को कपड़ों का कलर अलग होता है ना. सबके कलर, सब कलर अलग होते हैं, कपड़े के पहनने का तरीका अलग होता है, तो इससे हमको क्या पता चल जाता है कि ये कौन सा काम करते हैं, ठीक. तो जो एक जैसे कपड़े होते हैं, जैसे सारे डॉक्टर एक जैसे कपड़े पहनते हैं, सारे स्टूडेंट एक जैसे कपड़े पहनते हैं, सारी नर्स एक जैसे कपड़े पहनती हैं, जिनको देख करके हम पता लगा लेते हैं कि वो क्या काम करते हैं. जैसे आप एक चीज़ उदाहरण देख लीजिए, जैसे पोस्टमैन हो गया यानी डाकिया, प्लेयर्स यानी आप देखे होंगे क्रिकेट खेलते हैं तो आप देखते हैं ना, एक टीम का कलर एक जैसा होता है. जैसे इंडिया का है तो उनका जो क्रिकेट में कपड़ा होता है, सबका कपड़ा एक जैसा होता है. अगर कोई ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर है तो उनके कपड़े एक जैसे होते हैं. तो ये जो चीज़ें होती हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म. जो एक जैसे कपड़े होते हैं वो यूनिफॉर्म कहलाते हैं. पीपल वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स ऑन स्पेशल ओकेशंस. वी वेयर फैंसी एंड कलरफुल ड्रेसेस ऑन वेडिंग फेस्टिवल्स एंड बर्थडे पार्टीज. अब इसमें ये बताया है कि जो हम लोग हैं ना, अलग अलग ओकेशन पे, मतलब अलग अलग जगह पे, अलग अलग त्यौहार पे या पार्टी में या शादी में हम लोग रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं. यानी कि जो अलग अलग मौका पड़ता है तो उस हिसाब से हम लोग कपड़े पहनते हैं. अब जैसे शादी पड़ी तो हम लोग खूब चमकीले दमकीले कलरफुल कपड़े पहनते हैं. या हमारा कोई त्यौहार पड़ता है, जैसे दिवाली हो गया, होली हो गया, तो उसमें भी हम रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं. यानी कि खास मौक़ों पे हम लोग खास तरह के कपड़े पहनते हैं. हाउ क्लोथ्स आर मेड. अब क्या बताया है कि कपड़े कैसे बनते हैं. क्लोथ्स आर मेड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक्स. कपड़े जो है अलग अलग चीज़ों से बनते हैं. वूल एंड कॉटन आर द मोस्ट कॉमन मटेरियल्स यूज फॉर मेकिंग क्लोथ. जो मेन कॉटन के कपड़े हो गए या वूल के कपड़े हो गए, ये हमारे खास कपड़े होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, गर्मी के मौसम में हम लोग कॉटन वाले कपड़े पहनते हैं और ठंडी के मौसम में हम लोग गर्म कपड़े पहनते हैं, यानी कि ऊनी कपड़े पहनते हैं. वी गेट कॉटन फ्रॉम द कॉटन प्लांट्स. कॉटन फ्लावर्स आर यूज टू मेक थ्रेड्स. दिस थ्रेड इज मेड इन टू कॉटन ऑन अ लूम. दिस इज कॉल्ड वेविंग. अब इसमें क्या बताया है कि हमको कॉटन के कपड़े कहाँ से मिलते हैं. कॉटन का कपड़ा हमको रुई से मिलता है. रुई की खेती होती है. जब वो रुई निकल आता है तो उसको हम लोग दूसरी फैक्ट्री में भेजते हैं. वहाँ वो धागा बनता है. फिर वो धागा बनने के बाद उस धागे से क्या होता है, कपड़ा बनता है. और उस कपड़े को हम लोग खरीद करके अपने हिसाब से शर्ट, पैंट, फ्रॉक ये बना करके उसको हम लोग पहनते हैं. वी गेट वूल फ्रॉम शीप. वूल ग्रोज ऑन द बॉडी ऑफ अ शीप. वूल इज यूज टू मेक वूलन क्लोथ्स. अब दूसरा क्या है, ऊनी कपड़े. ये ऊनी कपड़े कहाँ से आते हैं, ऊन कहाँ से मिलता है हमको. ये ऊन मिलता है हमको भेड़ से. भेड़ के बॉडी पे ऊन रहता है जिसको हम लोग निकाल करके उसको धागा टाइप का बना करके उसके बाद हम लोग उसका स्वेटर बुनवाते हैं. स्वेटर बुनने के बाद हम लोग उसको पहनते हैं. यानी कि जो वूल है वो भेड़ से हमें मिलता है, ठीक है, और उससे हम लोग कपड़े पहनते हैं. तो वो वूल क्या होता है, गर्म होता है, जिससे हमको ठंडी कम लगती है, क्योंकि ठंडी के मौसम में ठंड बहुत ज़्यादा होती है. वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क वॉर्म. इट टेक्स आउट अ लॉन्ग स्टिकी थ्रेड फ्रॉम इट्स माउथ. द सिल्क वॉर्म स्पिन अ कोकून अराउंड इटसेल्फ विद दिस थ्रेड. द थ्रेड विच मेक्स द कोकून कॉल्ड सिल्क. द सिल्क थ्रेड्स आर वुमन टू मेक सिल्क. द सिल्क इज फीड ऑन मलबरी लीव्स.
सिल्क कैसे बनता है? सिल्क का एक कीड़ा होता है, ठीक है। वो कीड़ा शुरुआत में कैसा होता है, देखो ऐसे होता है, ऐसे ऐसे करके वो कीड़ा होता है, ठीक। ये आपका क्या है? सिल्क वॉर्म। ये आपका कीड़ा ऐसे होता है, फिर ये अपने मुंह से एक धागा टाइप का निकालता है, तो क्या होता है, ये उसके ऊपर ऐसे 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 करके धागा लपेट लेता है ये कीड़ा, ठीक है। खूब ढेर सारा धागा हो जाता है, और फिर ये धागे से क्या होता है, इससे हमारा सिल्क बनता है, ठीक। सिल्क के जो कपड़े, जैसे मम्मी लोग साड़ी वगैरह पहनती है ना सिल्क की, तो ये कीड़े से बनता है। और सिल्क जो है, सिल्क वॉर्म जो क्या खाता है, मलबरी लीव्स, एक पत्ती होती है जो वो खाता है। जैसे आप ये देखिए, ये है ना, ये है सिल्क वॉर्म, देखो ये कीड़ा कैसा है, ऐसे होता है, और ये पत्ती होती है, इसको पत्ती को खाता है, खाते खाते क्या करता है, ये अपने ऊपर मुंह से जो ऊन निकालता है ना, सॉरी मुंह से जो धागा निकालता है उसको अपने ऊपर वो लपेटता जाता है, फिर उस धागे उससे हम लोग क्या करते हैं, अपना सिल्क का, उस धागे से सिल्क का कपड़ा बनता है। क्लोथ्स आर ऑल्सो मेड फ्रॉम नायलॉन, रियॉन, पॉलिस्टर, दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक क्लोथ्स। अब कुछ सिंथेटिक कपड़े होते हैं जिसमें नायलॉन, पॉलिस्टर, ये सारी चीज़ें मिली होती है, दे आर मैन मेड फाइबर्स, ये इंसान बनाते हैं। कुछ चीज़ें देखिए आपको जानवरों से मिलती हैं, कुछ चीज़ें इंसान क्या करते हैं, जो चीज़ें होती हैं उनसे वो लोग कपड़े बनाते हैं फाइबर से। आवर क्लोथ्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, वी शुड टेक गुड केयर ऑफ देम, वी शुड कीप देम नीट एंड क्लीन। हमको कपड़े बहुत ही, हमारे लिए कपड़े बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि कपड़े हमको धूप से, ठंड से, बरसात से बचाते हैं। और दूसरा, हमको अपने कपड़ों को डेली डेली धोना चाहिए। जैसे आज हमने कपड़ा पहना तो दूसरे दिन हमको, हम नहाएंगे तो उसके बाद हमको कपड़े को धुल देना चाहिए। अगर हम कपड़े नहीं धुल के पहनेंगे तो पहली बात तो वो गंदे हो जाएंगे, गंदे होने के बाद उसमें बैक्टीरिया भी होने लगेगा, कीड़े मकौड़े चलने लगेंगे जो हमको नुकसान पहुंचाएंगे। तो हमको डेली डेली साफ कपड़े पहनने चाहिए और डेली डेली अपने कपड़ों को धोना चाहिए। आपका ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। अब हम आपको कुछ बातें बताएंगे जो आपको याद रखनी है, इम्पॉर्टेंट बात है ये। क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, रेन, कोल्ड एंड डस्ट। ये जो क्लोथ्स हैं, कपड़े हैं, वो हमको ठंड से, गर्म तेज धूप से, बरसात से बचाते हैं। कॉटन क्लोथ अब्सॉर्ब स्वीट एंड कीप अवर बॉडी कूल। जो कॉटन क्लोथ्स हैं, जो रुई से धागा बनता है, धागे से जो कपड़े बनते हैं वो कॉटन क्लोथ्स कहलाते हैं। और कॉटन क्लोथ को पहनने से क्या होता है कि हमको ठंडक महसूस होती है, क्योंकि कॉटन क्लोथ जो है हमारे पसीने को जल्दी से अब्सॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है। सम पीपल वेयर स्पेसिफिक ड्रेसेस दैट शो हु दे आर एंड व्हाट दे डू। कुछ लोग जो हैं अलग तरह के कपड़े पहनते हैं जिसको देख करके हमको ये पता चल जाता है कि वो क्या काम करते हैं। जैसे आपको हमने बताया, डॉक्टर सफ़ेद कपड़ा पहनता है, पुलिस वाले जो होते हैं मिलिट्री ब्राउन कलर का कपड़ा पहनते हैं, मिलिट्री वालों को देखेंगे ग्रीन कलर का कपड़ा होता है, और जो बच्चे यूनिफॉर्म पहनते हैं स्कूल वाले, हर स्कूलों का अलग अलग यूनिफॉर्म होता है। तो इनको देख करके हम लोग ये पता लगा लेते हैं कि कौन क्या काम करता है। वी वेयर फैंसी एंड कलरफुल ड्रेसेस ऑन वेरिंग फेस्टिवल्स एंड बर्थडे पार्टीज। हम लोग कलरफुल रंग बिरंगे कपड़े कब पहनते हैं, जब कोई खास मौका होता है। तो खास मौका हम लोग का क्या होता है, जैसे किसी की शादी पड़ गई, या आपका कोई त्यौहार है जैसे ईद है, दिवाली है, होली है, ठीक है, या फिर किसी का बर्थडे पार्टी हो गई। किसी की बर्थडे पार्टी में तो हम अच्छे अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं। क्लोथ्स आर मेड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ फाइबर्स, फैब्रिक्स। जो क्लोथ्स हैं वो अलग अलग तरह से, अलग अलग चीज़ों से बनते हैं। द थ्रेड विच मेक्स द कोकून कॉल्ड सिल्क। वो धागा जो सिल्क वॉर्म से बनता है, कोकून से बनता है, उसको हम लोग सिल्क कहते हैं। नायलॉन, रेयॉन एंड पॉलिस्टर आर सिंथेटिक फाइबर्स। नायलॉन, रेयॉन एंड
पॉलिस्टर जो होता है वो सिंथेटिक फाइबर्स होता है, वो मैन मेड होता है, उसको इंसान बनाते हैं, वो भी कपड़े हम लोग पहनते हैं। आपका ये चैप्टर यहीं ख़त्म हो गया, कल हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज कराएंगे। गुड नाइट।